नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह? सप्ताह की शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार से होनी चाहिए हमारे दिन की शुरुआत, क्या कहती है हमारी राशि और अपनी राशि के अनुसार जब भी हम घर से बाहर निकलें तो कैसे निकलें, ऐसा क्या कुछ करके निकलें जिससे हमारा दिन बन जाए और भी बेहतर, इन सब विषयों पर हम आचार्य जी से चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा, जिसको मन का कारक कहा जाता है, जब हमारी राशि यानी हमारी कुंडली में जब चंद्रमा मजबूत रहते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, और जब चंद्रमा कमजोर होते हैं तब हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे हम चंद्रमा को अपनी कुंडली में बेहतर बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहेगा चंद्रमा का हमारे जीवन पर प्रभाव। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चंद्रमा के प्रभाव के बारे में जानें, उससे पहले अपने साप्ताहिक राशि फल के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों की जो शुरुआत होगी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट से होने वाली है। अगर अभी तक आप कोई पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे तो वो इच्छा आपकी इस सप्ताह पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ आपके पिता का और आपके बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग इस सप्ताह पूर्ण रूप से मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका काम भी बढ़ेगा और जिसमें फाइनेंस भी इम्प्रूव करने वाला है। लेकिन सप्ताह के शुरुआत में कुछ अननेसेसरली की प्रॉब्लम्स भी आपको घिर सकती हैं, जो बिना मतलब की हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपको एक या दो दिन का मानसिक तनाव रह सकता है। लेकिन सप्ताह के मिड तक आते आते अब वो सारी परेशानियां आपको छोड़ देंगी, मुक्त कर देंगी, आप उनसे दूर हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक आते आते आपके फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ हर प्रकार से विशेष रूप से अच्छी रहने वाली है। अभी चूंकि मंगल भी चेंज हुए हैं, मकर राशि में आए हैं, तो आपके दशम भाव में हैं, तो आने वाले पूरे महीने इस सप्ताह के बाद भी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका करियर है, उसमें चार चांद लगने वाले हैं और आप हर चीज़ को बड़ी हिम्मत से, बड़ी सहन शक्ति के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह भी और उसके बाद भी विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों की शुरुआत होने वाली है उनकी फाइनेंशियल गेन से, लेकिन आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ आपको ओवरथिंकिंग की समस्याएं रह सकती हैं या आपके अंदर ऐसी एक भावना आ सकती है जो चीज़ें घटित नहीं हुई हैं नकारात्मक रूप से। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अचानक से आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि कुछ वहाँ पर कुछ अनफोर्सीन इवेंट ना हो जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, कोई चोट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, यानी कि कुछ नेगेटिविटी इस सप्ताह आपके मन को घेर कर रख सकती है। अगर इस पार्ट को मैं हटा दूँ तो इसके अलावा चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पर आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। विशेषकर इस सप्ताह आपका जो मन है वो धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक रुचि लेगा, यानी कि इस सप्ताह काफ़ी आप विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं जहाँ पर भक्ति भाव का कोई भी कार्यक्रम निश्चित किया गया हो, यानी कि आप किसी पूजा पाठ का में भी भाग ले सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि सप्ताह के मिड में आपकी कुछ ट्रैवलिंग हो जो धार्मिक प्लेसेस से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं आप दर्शन करने भी जा सकते हैं। यानी कि वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है। सिर्फ कुछ नकारात्मक विचार आपको घेर सकते हैं, उसके अलावा चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई बातें हों, या धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई बातें, वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रिजल्ट लेकर आने वाला है। विशेषकर आपकी हेल्थ को यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियाँ आपसे जुड़ी रह सकती हैं, जिनकी वजह से ये पूरा सप्ताह आप उस रोग की चपेट में आ सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह कोई छोटे मोटे दुर्घटना भी आपके साथ घटित हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप, चूंकि इस सप्ताह में आपका हेल्थ आपका साथ नहीं देगा, इसके साथ साथ कुछ अनफोर्सीन इवेंट, दुर्घटना वगैरह हो सकती हैं, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आप पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सिर्फ एक ही चीज़ में आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अगर कोई आपका पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य था जो अटका हुआ था, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था,
तो इस सप्ताह वहाँ से आपको आपके अनुकूल रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बोलूँगा कि इस सप्ताह आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, और इस सप्ताह अगर आप सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी हेल्थ में और इसके साथ साथ जो आपकी इस सप्ताह में कुछ मानसिक परेशानियां भी आपको जो घेरने वाली हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी जो कुछ समस्याएं रहने वाली हैं उनसे आपको भगवान हनुमान आपको बचा कर रखेंगे। तो इस सप्ताह बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से करें। तो बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपकी वैवाहिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। वहाँ पर कुछ ऐसे सकारात्मक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक अभी तक विवाह सूत्र में नहीं बंधे हैं, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, अपने लिए वर या वधु देख रहे हैं, तो इस सप्ताह उनकी ये मनोकामना पूर्ण अवश्य रूप से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई लव लाइफ चल रही थी तो ऐसा हो सकता है कि आपका वो रिलेशनशिप विवाह में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए और वो आपके जीवन साथी ही बन जाए। इसके साथ साथ आपका इस सप्ताह में कुछ ट्रैवलिंग भी होने वाला है, और ट्रैवलिंग होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दों पर, यानी कि अपने काम के लिए आप कहीं ना कहीं इस सप्ताह ट्रैवल करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक कोई आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था जहाँ पर शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था, तो इस सप्ताह में आपको वहाँ से अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय पालें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह की जो पहले दो दिन है, यानी कि सोमवार और मंगलवार को, तो आपको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या कुछ छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं बुधवार से और शनिवार तक की बात करता हूँ तो उसमें आपको विशेष रूप से रिजल्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रतियोगिता में अगर आप भाग ले रहे हैं, किसी आप ऐसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, किसी आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे UPSC हो गया है या कोई और एग्ज़ाम हो गया है, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप उनमें जीत पाएंगे, आप उनमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। अगर आपके संतान पक्ष भी किसी परीक्षा में भाग ले रही है या कोई उनके एग्ज़ाम्स हैं आने वाले दिनों में, इस सप्ताह में, तो वहाँ पर भी वो रिजल्ट आपके अनुकूल आने वाले हैं, आपके बच्चों के अनुकूल आने वाले हैं। यानी कि इस सप्ताह में आपको अपनी संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आपको कुछ सडन गेन्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग की मैं अगर बात करूं, तो वहां पर भी आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखना होगा, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपके घर का वातावरण है, वहाँ पर कुछ कहा सुनी का मामला बन सकता है, कुछ गर्माहट वाला माहौल रह सकता है। तो वहाँ पर आपको चाहिए होगा कि वहाँ पर आप अपने आप को संतुलित करके रखें, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, तुरंत रिएक्शंस ना दें, क्योंकि इस समय आपके अंदर कॉम्पिटिशन की जो भावना है, किसी से हार ना मानने की जो एक भावना होती है, वो विशेष रूप से आपके ऊपर हावी रहेगी। तो अगर वहाँ पर आप रिएक्शन देंगे तो जो आपके घर का वातावरण है वो कुछ हद तक डिस्टर्ब रह सकता है। विशेष रूप से आपके अपनी पत्नी के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है, तो सिंह राशि वाले जातकों को अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हर प्रकार से आप जो रिजल्ट हैं आपके जीवन में वो आपके अनुकूल आने वाले हैं, चाहे वो संतान पक्ष से जुड़ा हुआ मैटर हो, चाहे अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वहाँ से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का कोई मामला हो, तो हर प्रकार से वो आपके अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ उनकी संतान पक्ष का, यानी कि इस सप्ताह आपको कुछ ऐसे समाचार अपनी संतान के माध्यम से जरूर मिलेंगे जिनकी वजह से आपको सुखद या एक अच्छे अनुभव की अनुभूति होने वाली है, जिससे आपको लगेगा कि वाकई में मेरी संतान ने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है, गर्व से ऊंचा कर दिया है। यानी कि अगर वो किसी भी प्रोफेशन में थे या स्टूडेंट भी हैं, तो वहाँ पर वो सारे रिजल्ट आपके अनुकूल या उनके अनुकूल आने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपकी पैतृक संपत्ति का कोई मामला था वो आपके फेवर में होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भूमि या वाहन खरीदने का भी सोच रहे थे और अभी तक वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, तो इस सप्ताह वो इच्छा आपकी विशेष रूप से पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपको विदेश जाने का मौका नहीं मिले था, या आप विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ पर सेटल भी होना चाहते हैं और किसी न किसी कारणों से वो आपका वीज़ा या नहीं लग पा रहा था या आप नहीं जा पा रहे थे, तो इस सप्ताह वहाँ पर भी वो
आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि जो आपका वो अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली अपने जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ भी आपको ऐसा नहीं है कि तनावपूर्ण कोई आपका मामला रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी की हेल्थ इस सप्ताह कुछ हद तक डिस्टर्ब रह सकती है, तो आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके अलावा हर प्रकार से ये सप्ताह आपके अनुकूल रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रिजल्ट लेकर आने वाला है। किन चीज़ों में अच्छा रहने वाला है? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के मैटर्स आपके अनुकूल होने वाले हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी भी वाद विवाद में फंसी हुई थी, यानी कि कोई डिस्प्यूटेड अगर आपकी प्रॉपर्टी थी, तो इस सप्ताह वो डिस्प्यूट आपका सॉल्व हो सकता है, वहाँ से कोई आपको समाधान मिल सकता है। तो उस लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी भी लेने का सोच रहे थे तो वो भी आप ले पाएंगे। आपके घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, वहाँ पर भी आपका ठीक है। लेकिन एक जगह आपको जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो समस्या आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके विचारों में पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहा था, आपस में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहाँ पर अगर इस सप्ताह आप अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, अपने आप को वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति में नहीं लेकर आएंगे जिससे कि माहौल और ख़राब ना हो, तो इस सप्ताह ये नौबत भी आ सकती है कि आपका आपके जीवन साथी से अलगाव तक हो जाए, यानी कि डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी आपकी इस समय के इस सप्ताह में उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको अपने व्यवहार पर, अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और किसी भी प्रकार से आने वाले कुछ समय को आपको निकालना होगा। अगर ये कुछ समय निकल जाता है तो उसके बाद सारी स्थितियां आपके अनुकूल आगे चलकर हो जाएंगी। तो यानी कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपनी वैवाहिक जीवन पर। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी का मैटर आपके अनुकूल रहने वाला है। किसी कॉम्पिटिशन में अगर आप भाग ले रहे हैं वो आपके अनुकूल रहने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा था वो आपके अनुकूल रहने वाला है। अगर आप ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यानी कि हर लिहाज से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। सिर्फ एक ही जगह आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना है। अगर पहले से कोई चलती हुई आ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करनी है, पोस्टपोन करना है उस मैटर को, अदरवाइज तो वो अलगाव तक की स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ये सप्ताह विशेष रूप से आपकी सामाजिक जीवन के लिए, जो आपका मेलजोल वाला जीवन है, जो आपके अड़ोस पड़ोस वाला जीवन है, जो आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशंस हैं, जो आपके आपके भाई या बहन के साथ रिलेशंस है, वहाँ पर मधुरता लेकर आने वाला है। वहाँ से आपको अति उत्तम लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि उनके साथ ये सप्ताह आप पूर्ण रूप से आनंद में रहने वाले हैं और अपने जीवन को इंजॉय करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपकी पदोन्नति नहीं हुई है वृश्चिक राशि वालों की, तो इस सप्ताह आपको वहां से आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं और आपको ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि जी आपका पदोन्नति किया जा चुका है। सिर्फ आपको ध्यान कहां पर देना है? आपको अपनी संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहां पर किन्हीं बातों को लेकर आपका अपनी संतान से कुछ मतभेद रह सकता है। अगर आप वहां पर सामंजस्य की स्थिति बना लेते हैं तो हर प्रकार से ये सप्ताह आपके अनुकूल रिजल्ट लेकर आने वाला है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, वेल्थ की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे आपके सामाजिक दायरे की बात हो। तो हर प्रकार से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी संतान के साथ अपने व्यवहार पर। तो वहाँ पर अगर आप सामंजस्य की स्थिति बनाकर रखेंगे तो आपको ये सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए। तो धनुराशि के जातकों की के लिए जो ये सप्ताह है, ये सबसे पहले तो अगर आप कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इस सप्ताह उस डील को फाइनल कर पाएं। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में या सप्ताह के अंत तक आते आते आपको अपनी संतान पक्ष से भी कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपका सामाजिक दायरा है वो भी आपके अनुकूल कार्य करने वाला है। वहाँ पर भी आपको आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके मददगार साबित होने वाले हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी मदद की इस सप्ताह में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाए, आप किसी को कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर पाएँ, तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर चलने की आवश्यकता पड़ने वाली है।
इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की हेल्थ समस्या आपके साथ चलती हुई आ रही है, या अभी तक अगर नहीं भी कोई हेल्थ समस्या थी तब भी आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह में कोई छोटी मोटी बीमारी आपको पकड़ ले। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ भी आपको सुखद समाचार मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर आपकी पदोन्नति हो सकती है या किसी न किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट वगैरह लग सकता है जिससे आपके धन में वृद्धि होने वाली है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ऑलमोस्ट अच्छे ही रिजल्ट लेके आएगा। तो अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। सबसे पहले तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ आपके अंदर एक कर्मठता का एक भाव आने वाला है। हर चीज़ को सोच समझ कर करने की एक प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होने वाली है। कुछ समय से जो आप थोड़ा बहुत आलस का सामना कर रहे थे वो आपका दूर होने वाला है, यानी कि इस सप्ताह आपका जो दैनिक जीवन है, जो दैनिक दिनचर्या है आपकी, वो सही समय से यानी कि अनुकूल टाइम के हिसाब से चलने वाली है और आप हर चीज़ को सोच समझ कर सही निर्णय लेने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके बिजनेस में विशेष रूप से आपको ग्रोथ मिल सकती है। इसके साथ साथ आपके अंदर इस सप्ताह ऐसा कुछ रहने वाला है कि आप अपने कार्य को करने के लिए अपनी वाणी का विशेष रूप से प्रयोग करने वाले हैं। सिर्फ एक जगह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है आपकी वैवाहिक जीवन। वहाँ पर छोटे मोटे कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लेकिन कुछ छोटे मोटे मतभेदों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर उस पक्ष को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर प्रकार से ये सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। अननेसेसरली के एक्सपेंसेस खर्चे आपका पीछा कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी सेविंग्स जो हैं वो ड्रेन होने वाली हैं। चूँकि राहु का भी ट्रांजिशन आपके सेकेंड हाउस में चल रहा है और ये तो 1.5 साल के लिए है, तो ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए सेविंग कर पाना, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाना, अपनी बचत को बचा कर रखना बड़ा मुश्किल होने वाला है। और इस सप्ताह विशेष रूप से वो और भी ड्रेन हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य सारे ही प्लैनेट, ये चारों प्लैनेट आपके 12वें भाव में हैं, तो ये विशेष रूप से आपके फाइनेंस को ड्रेन कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके शत्रु पक्ष को एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ऋण रोग शत्रु वाला मैटर है वो जागृत हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, यहाँ पर अगर आप पेशेंस बना के रख सकते हैं, आप कॉन्शियस रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, सजग रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, तो इनसे बचाव मुमकिन है। इसके साथ साथ इन सबसे बचने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। विशेष रूप से आपको डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करना चाहिए कम से कम 108 बार, जिसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस, कोई भी शत्रु पक्ष, कोई भी बीमारी आपका पीछा ना कर पाए, आपको उससे परेशानी ना हो। उसके अलावा जो आपका फाइनेंस वाला पार्ट है, आपकी इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आपकी सेविंग कंटिन्यूसली ड्रेन होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपका हाथ थामे रहेगा और आपको हर जगह पर आपको सपोर्ट करने वाला रहने वाला है, यानी कि आपको इस चीज़ की तो अच्छी अनुभूति होगी कि मेरा लाइफ पार्टनर इतनी टफ सिचुएशंस के बाद भी मेरा सपोर्ट करने वाला है। तो अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में कुछ अचानक से फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसी डील्स होने वाली हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई अलग प्रकार की कोई डील हो। इसके साथ साथ आप की ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और ये ट्रैवलिंग कोई बहुत पर्पसफुल ट्रैवलिंग नहीं होगी, काफ़ी सारी अननेसेसरली की जो ट्रैवलिंग होती है कि बिना मतलब कहीं भी आना जाना लगा रहता है, उस प्रकार की ट्रैवलिंग आपकी इस सप्ताह रहने वाली है। अच्छी बात ये कि अगर आप फ़ौरन में सेटलमेंट होने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है और वो कुछ हद तक फ्रूटफुल हो सकती है। अगर आप वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने का सोच रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य वहाँ पर करने का सोच रहे हैं जिससे आपकी इनकम फ़ौरन से बने, तो वहाँ पर ही अच्छी आपकी ट्रैवलिंग रह सकती है। इसके साथ साथ जो आपका जीवन साथी है उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर अभी तक वो नौकरी नहीं करते थे तो इस सप्ताह उनकी नौकरी लग जाए, या अगर नौकरी करते थे तो उनका प्रमोशन हो जाए। यानी कि कुल मिला के फाइनेंस की दृष्टि से तो ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है, उसके अलावा सारे जो बाकी आस्पेक्ट हैं, चाहे वो संतान से जुड़ा हुआ हो, पत्नी से जुड़ा हुआ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर मिले जुले रिजल्ट ये सप्ताह लेकर आने वाले। तो ये थे साप्ताहिक राशिफल और आपने जाना कि चंद्रमा की स्थिति हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे लेकर इसी प्रकार से साप्ताहिक राशिफल और कुछ विशेष
ग्रहों के बारे में जानकारी जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनके माध्यम से हम जीवन में क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ पता चलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।